हेलो बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बिहारी दास जी के दोहे लेकर के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 10 के दोहे पढ़े थे और बिहारी दास जी के जीवन परिचय और कृतित्व परिचय के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे के दोहे हम देखते हैं। दोहा नंबर 11, को छूट्यो ई जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यो ज्यो सूरज ही भज्यो चहत त्यो त्यो उड़झत जात। एक मृग है, मृग यानी हिरण, एक हिरण है जो जाल के अंदर फंस गया है और वो उस जाल में से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो जितना प्रयास उसमें से निकलने के लिए करता है वो उतना ही उसमें फंसता जाता है। तो उसको संबोधित करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, या कवि उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि रे मृग, हे मृग, तू जिस जाल के अंदर फंसा हुआ है, इस जाल में से तू निकलने का जितना प्रयास करेगा तू इतना ही इसमें फंसता जाएगा। बच्चों यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अब अन्योक्ति अलंकार कैसे है और अन्योक्ति अलंकार होता क्या है? अन्योक्ति अलंकार के माध्यम में अंदर ये होता है कि पद के माध्यम से कवि बात जो रचना लिख रहा है, या जो काव्य वो लिख रहा है, जो पंक्तियां लिख रहा है, उन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्ति किसी दूसरी बात को स्पष्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे उसने मृग के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति को इंगित किया है जो सांसारिक मोहमाया में फंसा हुआ है। एक भक्त उस व्यक्ति से कहता है कि हे व्यक्ति, कि तू इस सांसारिक मोह माया में जिस प्रकार से फंस गया है, इस सांसारिक मोह माया के जाल में जब तू फंस गया है, इस जाल से तू निकलने का जितना प्रयास करता है, तू बार बार इससे निकलने का जो प्रयास कर रहा है वो व्यर्थ है, क्योंकि इस निकलने के प्रयास से तू उसमें और ज्यादा उलझता जा रहा है। अर्थात सांसारिक मोह माया में बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर पाना संभव नहीं होता है उसको, क्यों, वो बुरी तरह से उसमें जकड़ जाता है, कभी मतलब मोह माया में इतना फंस जाता है कि उससे दूर हो पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भावहन हसे देन कहे नट जाए। अब यहाँ पर कवि ने नायक और नायिका के बीच की बात बताई है। क्या बताया है कि एक नायिका है या सखी है, ऐसा मान लो, उस सखी ने बातों के लालच के लिए, बतरस यानी बातों के रस के लालच के लिए भगवान हरि की मुरली को छुपा लिया है, और जब उसे मांगते हैं हरि या कृष्ण उसे मांगते हैं तो वो कसम खाती है कि नहीं, मेरे पास नहीं है। वो भावनों में हंसती है यानी आंखों में हंसती है। देन कहीं नट जाए, जब उसे देने के लिए कहा जाता है कि मेरी मुरली मुझे दे दो, तो वो मना कर देती है। तो यहाँ पर बातों के लालच की जो लालची है कौन है, गोपी है या राधा मान लो आप, तो वो गोपिका भगवान श्री कृष्ण से बातों को लालच के लिए यानी उनसे बातें करने के लिए, उनकी बातों का रस आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी मुरली को छुपा लेती है, और जब वो उसे देने के लिए कहते हैं तो वो झूठी कसम खाती है, आंखों में हंसती है, इशारे करती है कि नहीं मेरे पास नहीं है, और जब उन्हें देने के लिए कहा जाता है तो साफ इनकार कर देती है कि मेरे पास आपकी कोई मुरली नहीं है। नेक्स्ट है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसि नंद किशोर। अचानक ही नाच उठे बिना वर्षा ऋतु के, अर्थात मोर जो है वो बिना वर्षा ऋतु के नाच उठते हैं। जब काले काले बादल आसमान में छाते हैं, वो स्वर करते हैं अपनी उमड़ घुमड़ कर, जब वो आते हैं आवाज निकालते हैं तब मोर बोलने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं, लेकिन अभी तो वर्षा ऋतु है ही नहीं तो ये मोर क्यों नाच रहे हैं। तो यहाँ पर एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि लगता है भगवान श्याम जो है इस ओर यानी जहाँ मोर बोल रहे हैं वहां विहार के लिए निकले, अर्थात घूमने के लिए निकले हैं, तो उनकी आभा को देख करके, उनकी श्याम वर्ण को देख करके मोरों को काले काले बादलों का आभास हो रहा है, तो इसीलिए वो उन काले बादलों को, उनके काले शरीर को, श्याम शरीर को देख करके आवाज करने लगे हैं, नाचने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखन बैठ जाकी छवि गहे गई गर्भ गरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। अब यहाँ पर सखी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी एक सखी है जिसने अपनी जो नायिका है, अपनी सखी है, उसका वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि जो भी उसकी छवि को लिखने के लिए बैठा, बहुत सारे चित्रकार आए, बहुत सारे चित्रकारों ने उनके चित्र को यानी नायिका के सौंदर्य को अपने पन्नों पर उतारने का प्रयास किया, अपने रंगों से अपनी कलम से उसको उकेरने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनकी छवि का स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाया। सभी के गर्व यानी सभी का जो घमंड था कि हम इसकी जो हम इसका जो चित्र है वो बना सकते हैं, हम इसके सौंदर्य का वर्णन अपनी लेखनी के माध्यम से कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, उन सबका गुरूर, सबका गर्व, सबका घमंड धरा रह गया, क्योंकि कोई भी
भय न केति जगत के, कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चतुर चित्रकूर, जो नायिका के ऐसे नित प्रतिदिन बदलते हुए चित्र का वर्णन कर सके। अर्थात नायिका इतनी सुंदर है कि कोई भी चित्रकार उनकी प्रति उनकी छवि बनाने का कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। अब यहाँ पर बिहारी दास जी के श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा वर्णन हुआ है। उन्होंने वर्णन किया है कि एक भवन है, उस भवन के अंदर सभा चल रही है। उस सभा के अंदर नायक और नायिका के बीच में जो वार्तालाप होता है, वो वार्तालाप कैसा होता है? इशारों के माध्यम से वार्तालाप होता है। कैसे होता है? कहत नटत रीझत खीझत, कि नायक जो है वो नायिका को इशारों में कहता है मिलने के लिए। बच्चों यहाँ पर अभिसार का मतलब अभिसार आएगा कि जो नायक है वो नायिका को आंखों ही आंखों के इशारों में अभिसार के लिए कहता है। अभिसार का मतलब होता है छुपके प्रेमी से मिलना। तो यहाँ पर नायिका को आमंत्रित कर रहा है कि आप मुझसे मिलने आओ, तो नायिका मना कर देती है। नटत मना कर देती है, रीझत नायिका के मना करने की, इस नायिका के मना करने की जो तरीका है उसके ऊपर वो रीझ जाता है, रीझ जाता है। और नायक के ऐसे रीझने को देख करके नायिका खींच जाती है, उसको चिढ़ हो जाती है। मिलत, लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है। खिलत मिलत खिलत लजियात, और वो नेत्रों ही नेत्रों में जब वो मिलते हैं, यानी आंखों ही जब उनकी आंखें मिलती हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और जब उनकी इस बात का पता उस सभा में बैठे व्यक्ति को पता पड़ता है तो वो लजा जाते हैं, यानी शर्मा जाते हैं। भरे भवन में करते हैं, वो भरे हुए भवन में यानी सभा से सभा सभी सभा के सामने बात करते हैं। नैनन ही सब बात, आंखों ही आंखों में वो अपनी बातें कह देते हैं कि हमें वो मिलने के लिए कहता है, फिर वो मना कर देती है, फिर वो रीझता है, फिर वो खींचती है। तो सारी की सारी बातें यहाँ पे इशारों इशारों में हो रही है। और उनके इन इशारों को देख करके सभा में मौजूद जो सभी लोग हैं वो उनको देखते हैं और आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कहे है सबूत तेरो हियो, मेरे ही की बात। अब यहाँ पर एक प्रोषित पति का नायिका है। प्रोषित पति का नायिका कौन सी होती है? जिस नायिका का पति विदेश गया हुआ होता है वो प्रोषित पति का नायिका कहलाती है। तो यहाँ पर भी ऐसी नायिका है, प्रोषित पति का नायिका है जिसका पति विदेश गया हुआ है, और कोई दूत है जो उसके पास में संदेशा लेने के लिए आता है। लेकिन नायिका संदेश लिखने में असमर्थ है क्योंकि उससे लज्जा आ रही है और अपने भावों को वो किसी दूत को व्यक्त नहीं कर सकती। उसमें घबराहट हो रही है कि कैसे मैं अपने मन की बात इस दूत को कहूँ और ये दूत अपने मतलब मेरे प्रियतम को या नायक को जाकर के कहेगा। तो वो कहती है कि कागज पर लिखते हुए नहीं बनता है, कि कागज पर लिखना नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरे मन के जो मनोभाव है, मेरे मन की जो भाषा है, मेरी जो मन की कामनाएं हैं वो इस दूत को बताना मुश्किल है जो कि कागज पर लिख रहा है। कह तो संदेशु लजात, संदेशा कहने में भी लज्जा आती है, शर्म आ रही है। कही हूँ सब तेरे हुई हो, कि आपका हृदय, नायक के लिए कह रही है नायिका कि तुम्हारे जो हृदय है वो अपने आप कह देगा मेरे ही की बात, मेरे मन की बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ या मेरे मन में क्या फीलिंग्स है, मेरी क्या भावनाएं हैं, मेरी क्या कामनाएं हैं, वो मुझे इस कागज में लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी संदेश को भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी जो मनोस्थिति है वो तुम्हारा मन अपने आप समझ जाएगा कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या संदेशा देने चाहती हूँ। तो ये मेरे मन की बात जो है तुम्हारा मन अपने आप जान जाएगा। नेक्स्ट है, कहत सबै बेंदी दिए, अंकु दसगुन हो तू, तिये लिलार बेंदी दिए, आगिन तू बढ़त उदो तू। अब यहाँ पर सखी ने, यानी एक सखी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। किस प्रकार किया है? बच्चों कोई भी अंक है उसके अगर आगे आप जीरो लगाते हो तो उसकी जो महत्वता है वो 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे मैंने लिखा एक, एक के आगे अगर मैंने जीरो लगाया तो वो 10 गुना वृद्धि होगी, उसके उसकी जो महत्व वो 10 गुना बढ़ गया। दो के आगे लगाया तो वो दुगना हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा है कि जो अंक गणित के अंदर किसी भी वर्ण किसी भी अंक के आगे जीरो लगा देने पर, शून्य लगा देने पर उसकी महत्वता 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन नायिका के माथे पर बिंदी लगा देने से, अब बिंदी कैसी होती है? शून्य के समान होती है, गोल होती है। तो नायिका के माथे पर बिंदी लगा देने से उसके सौंदर्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो वहां पर गणित का ये नियम कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन सखी कर रही है और कह रही है कि
कहते सब हैं कि बिंदी लगा देने से यानी जीरो लगा देने से किसी भी अंक में 10 गुना वृद्धि हो जाती है, लेकिन ललाट नायिका के ललाट के ऊपर बिंदी लगा दी जाए तो उसके सौंदर्य में अगणित तो वृद्धि हो जाती है, उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। तो यहां पर अंकगणित का वो नियम कार्य नहीं कर रहा है। दीठी न परतु समान दुती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत पर से बिछाने जात। अब यहाँ पर वही नायिका के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, यहाँ पर अतिशयोक्ति वर्णन हुआ है। अतिशयोक्ति क्या होती है बच्चों? जब किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो उसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहते हैं, और अलंकार भी यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखो कैसे, दीठी ना पर तू समान दुती कनक कनक से गात। नायक जब नायिका से मिल रहा है तो उसे पता नहीं पड़ रहा है कि कौन उसके अंग कौन से हैं और उसने जो आभूषण पहन रखे वो कौन से हैं। क्यों? क्योंकि जो नायिका है उसका जो वर्ण है वो स्वर्ण के समान है, अर्थात इतनी गोरी है वो नायिका कि उसने शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो आभूषण नजर नहीं आ रहे। उसके गौर वर्ण के कारण, उसने उसकी पीली आभा के कारण उसने जो आभूषण धारण किए वो आभूषण उसे नजर नहीं आ रहे। भूषण कर करकस लगत पर से बिछाने जात, अर्थात आभूषणों को टच करने पर वो कठोर महसूस होते हैं, उनको जब छूते हैं स्पर्श करते हैं तो वो कठोर महसूस होते हैं, और जब नायिका के अंगों को स्पर्श किया जाता है तो वो कोमल महसूस होते हैं। तो इनकी पहचान कैसे की जा सकती है कि कहाँ उसके अंग और कहाँ आभूषण पहन रखे हैं? तो वो केवल उनको स्पर्श करने से ही पता पड़ सकता है कि उसने कहाँ पर आभूषण धारण कर रखे हैं और कहाँ उसके चमड़ी है, कहाँ उसकी स्किन है। ठीक है, तो कोमलता दर्शाई है यहाँ पर इसने, नायिका की कोमलता दर्शाई है और उसके सौंदर्य की आभा का वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने। नेक्स्ट है, अंग अंग नग जग मगत दीप सिखासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। अब यहाँ पर भी वही नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कवि ने। क्या कहा है कि नायिका के अंग अंग नग की तरह जगमगा रहे, जैसे हीरे मोती जगमगाते हैं ना, ऐसे नायिका के अंग जगमगा रहे हैं। दीप सिकासी दे, और उसकी जो देह है वो दीपक की जो लौ होती है जो रोशनी देती है उस लौ के समान प्रज्वलित हो रही है, यानी इतनी सुशोभित हो रही है। ठीक है, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गए है, दिया बंद कर देने पर, यहाँ पर बढ़ाए का मतलब होता है बुझा देने पर, कि जब दिए को बुझा दिया जाता है तो भी बड़ो उजियारो गए तो भी उस नायिका की दीप सिकासी देह से पूरा घर प्रकाशित हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है, कैसे? कि दिया बुझा देने पर उजाला नहीं होता है, अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पर नायिका के अंगों का वर्णन करा है, नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि घर में अगर अंधेरा हो जाता है दिया बुझा दिया जाता है तो भी नायिका के अंगों से यानी नायिका की दीप शिकासी दे जो है वो चारों ओर प्रकाश फैला देती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे बिहारी दास जी के पूरे दोहे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।